मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वरुण दुबे और फाइनली मेरे साथ है आज आशीष। हाँ, फाइनली कहाँ थे इतने लास्ट वीक आप यहाँ थे, मैं आखिरी सौदों में था तो मुलाकात हो ही नहीं पा रही थी। उससे पहले होम टाउन गया हुआ था। होम टाउन कहाँ? भोपाल। कितने दिन के लिए? 15 दिन? नहीं, सिर्फ 7 वर्किंग डेज, 8 वर्किंग डेज, वर्किंग डेज 8 वर्किंग डेज, बाकी दिन तो बाकी संडे संडे छुट्टी, दो हफ्ते की पूरी छुट्टी लेके दिवाली मनाने। स्टार्टिंग एक दो दिन मुझे यूपी जाना था, बरेली। ओके ओके। वहाँ से कुछ इमरजेंसी थी, वहाँ से लौट के फिर पूरा टाइम भोपाल। तो ये पहला था, 15 साल हो गए यहाँ पे, पहला दीपावली मैंने भोपाल मनाई। और बारिश आ गई। हाँ, बारिश आ गई, ये बात सही है। तो वो जो सीरीज वीरीज लगवाई, बड़ा खुशी खुशी जाके दिए लगाने थे, सब गया, कुछ नहीं। वो सीरीज भी उस बाकी दो दिन चलती रही, उसी दिन जलना भी बंद हो गई। बताइए, ऐसी बारिश हुई। भगवान भी नहीं चाहता कि आप भोपाल मनाइए। नहीं, अच्छा, नेक्स्ट डे जब वापस आना था तो बहुत धूप थी। ओके। तो आज निकल तो गया वहाँ से, लेकिन उसका पता चला कि बहुत बारिश हुई, तो वो बारिश रुकी नहीं वहाँ पे। अब कल बॉम्बे में भी बारिश हुई है। बारिश वारिश ने पूरा मूड बिगाड़ दिया। यहाँ तो कभी भी हो रही, पूना में भी सुन बता रहा था। हाँ, बारिश हो रही है। चलिए, हाँ चलिए, ठीक है। लेकिन आशीष, आज लगातार 7वां दिन था और 19 महीनों में सबसे बड़ी, सबसे लंबी तेजी थी। 7 दिन की। इनफैक्ट बीच के एक दो दिन निकाल देना तो उसके पहले 10-12 दिन की तेजी और हो गई थी। तो जब हम 11,100-11,200 के लेवल पे पहुंच गए थे ना, यूरो टैक्स कट के बाद वापस एक बार गए पीछे, और फिर जो तेजी दिखाई हमने रुकने का नाम नहीं लिया। अब 12,000 तो ऑलमोस्ट पहुंच गए, 11,989 तो पहुंच गए हैं। 12,103 कितना दूर है? काउंट कर लीजिए कितना दूर होता है ये। 115 पॉइंट। नहीं, आज की क्लोजिंग तो नीचे हुई है, 11,940 पे हुई है। है ना, तो ठीक है, वो कहने वाली बात। लेकिन मार्केट में बेसिकली व्यू जाना चाहते हैं, वरुण, घुमा फिरा के। तो मार्केट को लेकर ध्यान रखें, इस तरह का बाजार है कि अगर मैंने इस निफ्टी को होल्ड करके चल रहा हूँ तो डे ऑन डे मैं गेन ही करता चले जा रहा हूँ, है ना। और इंटरडे वोलेटिलिटी छोड़ दीजिए, अभी भी मीनिंगफुल अपसाइड था। आज भी 50 पॉइंट के आसपास निफ्टी फाइनली ऊपर जाके बंद हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कमजोर दिन था, अच्छा खासा मोमेंटम आया, ऊपर से ठंडे पड़े, सब अलग कहानी। 50 पॉइंट का उछाल देखने को मिला है। हाँ, और यहाँ से क्लियर कट बाजार सिग्नल दे रहा है कि किसी भी गिरावट, किसी भी कमजोरी में खरीदारी करनी है, निफ्टी है तो होल्ड करते चलें, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। सबसे बेहतर रणनीति अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी मुनाफा बांध देने की। वरुण ने 12,000 के स्तरों की बात करी, ध्यान रखें इस सीरीज का सबसे तगड़ा कॉल से बिल्डअप जो है ना, वो 12,000 के स्तर पे खड़ा हुआ है। कॉल का मंथ की सीरीज का मैं आमतौर पर देखता हूँ, वीकली देखता नहीं हूँ तो ज्यादा उससे मुझे क्योंकि रुझान मिलता है। तो सबसे बड़ा बिल्डअप वो है, तो एक वो अड़चन वाला जोन है। right. और वो अड़चन मुझे नहीं लगता कि निकाल नहीं पाएंगे, निकालेंगे हम उसको। निकालेंगे। बस वो थोड़ा सा नर्वस 90 जैसा होता है ना, आज 11,890 के आसपास आके ठंडे पड़ गए जो भी। तो 12,000 के बाद निकलेगा तो 12,103 मुझे लगता नहीं बहुत दूर होगा वहां से। हाँ। है ना, तो इवेंचुअली ये सीरीज में अच्छे अपसाइड आपको देखने को मिलेंगे। ये क्लियर कट स्क्रीन दिखा रही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डोमेस्टिकली इंटरनेशनल क्यू सब कंडीशन होते चले जा रहे हैं आपके लिए, और इसीलिए किसी भी कमजोरी, किसी भी सुस्ती में एंट्री पॉइंट्स पाने के मौके ढूंढें। मिसाल के तौर पे आज भी जो डिप आ रही थी बाजार में, खरीदारी करने के मौके थे, उसका इंफोसिस खबर के बाद बाजार पलट के नहीं देख रहा था। और लाइक वाइज अगर होल्ड लॉन्ग है तो ट्रेल करें स्टॉप लॉसेस को और बाजार में बने रहें। लग रहा है यहाँ से अभी भी दमखम मोमेंटम तेजी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। इस तरह की डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स नहीं देखे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब क्या हो गया? अब दिक्कत ये हो गई ना, अभी क्या चल रहा है यहाँ, नवंबर 2019, एग्जैक्टली 12 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी कैंपेनिंग करके वो वोटिंग का टाइम आ जाएगा यूएस में, तो अब समय नहीं है। और अगर अब अभी अभी जो ट्रेड डील की हम लोग बात कर रहे हैं, वो फेज वन की बात कर रहे हैं। अभी तो फेजेस में पूरी ट्रेड डील होनी है, और ये ट्रेड डील होने के बाद मुझे लगता है कोई भी अकलमंदी जानता है कि 5 से 6 महीने लगेंगे उस ट्रेड डील का वापस फायदा मिलने में। तो अब वो टाइम नहीं बचा उनके हैंड में। अगर 12 महीने इलेक्शंस के हैं तो कैंपेनिंग के लिए मान लीजिए 10 महीने का समय, और अगर पहली डील अभी 1-8 महीने में होगी तो सब्सिक्वेंट डील कितना समय लेंगी। इसीलिए आप थोड़ा सा हल्ला नहीं, सब बैकफुट बैकबर्नर पे जा रहे हैं। ट्रंप साहब खुद ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम तो कहीं भी मुलाकात करके और फेज वन की डील कर लेंगे, उसमें ज्यादा समय लगेगा नहीं। तो इस तरह की सहमति बनती चली जा रही है। संडे कल था, विल्बर रॉस साहब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, उन्होंने क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने विल्बर रॉस क्या है जो भी ट्रेड सेक्रेटरी जो भी, विल्बर रॉस साहब ने स्टेटमेंट ये दिया है कि हुआवी के साथ जो अमेरिकन कंपनीज डील कर सकती हैं उनके जल्दी लाइसेंसेस दे दिए जाएंगे। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इस वक्त तो चाइना लग रहा है बैक फ्रंट फुट पे नहीं, यूएस फ्रंट फुट पे की डील कर लो। हाँ, चाइना थोड़ा एटीट्यूड मार रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद रिलेशनशिप बेटर होंगे। खैर, वो सब अलग कहानी। मुझे लग रहा है मोमेंटम स्ट्रांग है, आपको इनकैश करना चाहिए इस मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम स्ट्रांग है, इनकैश करें। अब सवाल जो आपके सिचुएशन पे आते हैं, और यहाँ स्वप्निल ओसवाल
भेल पे पूछ रहे हैं, 1000 शेयर ले लिए तो 55 रुपए के भाव पे। अभी भेल की स्टोरी तो ये विनिवेश का घोड़ा है। नहीं, भेल है तो वैसे भी बेटर प्लेस्ड। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग, मैं वरुण जब से पहले चर्चा करते थे ये कॉर्पोरेट टैक्स कटौती के बाद, तो मैंने कहा था स्पेसिफिकली केपेक्स को लेकर वो कंपनीज फोकस में आएंगी, क्योंकि इवेंचुअली यहाँ से, क्योंकि सबसे अट्रैक्टिव जो निर्मला सीतारमन ने अनाउंसमेंट करा ना, वो ये करा था कि 2023 तक अगर नई केपेक्स फैसिलिटीज आप खड़ी करना है अपनी, तब तक ऑपरेशनल कर देंगे आप 15%, उसका फायदा उठाने का मजा जो है ना, अब तो कंपनीज अपने केपेक्स को रिविजिट करना चाहिए, जिन्होंने प्लान करा था फला केपेक्स, वो सब इसके अंदर लाने की कोशिश करेंगे, इस 15% की स्लैब के अंदर, है ना। तो ये सब का फायदा इवेंचुअली आप कैपिटल गुड स्पेस में मिलना है। तो मुझे लगता है बीएचईएल जैसी कंपनीज उस लिहाज से स्वीट स्पॉट में इस समय खड़ी हुई है, इसीलिए ब्रोकरेजेस थोड़े से बुलिश भी हो रहे हैं। अब बीएचईएल अभी कहने वाली बात है, ये कैपिटल गुड स्पेस को इंतजार करते करते 3 साल हो गए हालात सुधरने के, सुधरे नहीं है, इस बात का ध्यान रखें आप। और खासतौर पर ये बीएचईएल जैसी, एलएनटी को तो फिर भी वो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह के ऑर्डर थोड़े बहुत मिलते रहे, लेकिन हाँ, तो ये इश्यूज हैं। और दूसरा वो, मैं इसीलिए बीएचईएल अट्रैक्टिव कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो केपेक्स वेपेक्स का फायदा इवेंचुअली सब कंपनीज को मिलना है, तो उसका फायदा मिलेगा। एक्स्ट्रा टिगर के तौर पर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को, उसके लिए मैं पोर्टफोलियो में रख लूंगा बीएचईएल को, क्योंकि हमें पता है सरकारी पेज फंसते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं, एम्प्लॉई यूनियन कब खड़ी हो जाए, कब इश्यूज हो जाए, जो भी होना है, तो वो मेरे लिए ट्रिगर नहीं हो सकता पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक होल्ड करने के लिए। ट्रिगर मेरे लिए यही होगा कि इस समय बिजनेस कैसा है, आगे आउटलुक कैसा है, उस लिहाज से बेल को होल्ड करें। और मुझे लगता है ये जो स्ट्रेटेजिक विनिवेश की बात करी जा रही है वो एडिशनल जम दे सकता है स्टॉक प्राइस को, तो इसीलिए बीएचईएल इस समय होल्ड है, इसीलिए ब्रोकरेजेस भी आपको मेरे ख्याल से बुलिश होती लगातार, तो लगातार बताते भी रहते हैं, तो इसीलिए बुलिश भी हो रहे हैं लोग। चलिए ठीक है, तो होल्ड है बीएचईएल। अच्छा, ये ब्रोकरेजेस को लेना चाहिए क्या? अक्षय व्यास पूछ रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल ले लो क्या लॉन्ग टर्म पे? अब लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट फिर से अपने लाइफ हाइज पे जा रहा है, तो जितनी भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं जैसे कि जेएम फाइनेंस, नहीं मोतीलाल ओसवाल चला भी है पीछे कुछ दिनों में, बोलते हैं इनके अच्छे दिन आ जाएंगे, ये जब ये लॉजिक है, हमेशा जब मार्केट नियर टाइम नियर हाईज आता है, ये आता है, तो बस ये क्रिएट होने लगता है कि अब क्या होगा। हम रिटेल के हैं ना, जब मंदी आती है तो हम सब भाग जाते हैं। अभी नए डीमैट अकाउंट अगर तेजी आती है तो नया पैसा आएगा, नए लोग जुड़ेंगे, सबको ग्रीन ग्रीन दिखेगा, जब हम सब घुसेंगे तो सारे इंस्टीट्यूशन सब निकल जाएंगे, जो भी हो। तो इस तरह की जब तेजी आती है तो कहा जाता है कि ब्रोकरेज को फायदा मिलता है, हालांकि ब्रोकरेज सिलेक्टिव होने की जरूरत है। आपने कुछ ब्रोकरेजेस के स्टॉक, अब ब्रोकरेजेस तो रही नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हो गई हैं, एडलवाइज, मोतीलाल, है ना, अब इनमें से आपको बहुत सिलेक्टिव होने की जरूरत है। आपने देखा एडलवाइज जैसे, रेलिगर जैसे स्टॉक्स में किस तरह का बीच में प्रेशर माउंट हुआ था, तो अगर इस थीम को प्ले करना है तो बहुत सिलेक्टिव अपनी पिक्स ढूंढने और बहुत सिलेक्टिव रहे। क्रॉस द बोर्ड इस समय बाइंग करने का मूड होना नहीं चाहिए, क्योंकि एनबीएफसीज हो गई जैसे वरुण कह रहे हैं, और इनमें से कई एनबीएफसीज को अपने अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत कॉशियस रहना इस स्पेस में। चलिए ठीक है, कॉशियस रहिए। अभी यस बैंक पे काफी सवाल आ रहे हैं, हाँ आने भी चाहिए। मिस्त्री पूछे यस बैंक, दीपक झा पूछे 130 पे यस बैंक, दीपक झा तो पहले भी काफी बार पूछ चुके हैं यस बैंक के ऊपर। मिपान नियमा पूछ रहे हैं यस बैंक पे व्यू क्या है फ्यूचर लिए 60-70 पे, करेगा यस बैंक में क्लैरिटी तो है ही नहीं। नहीं, अच्छा जो पता था वो तो हो गया, क्वार्टर नंबर्स खराब आए और डर था वही कि और लॉसेस कर लिए उसने, लॉसेस तो जैसे उम्मीद थी वैसे ही लॉसेस आए, बैलेंस शीट में डिटोरिएशन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, तो यस बैंक के लिए दिक्कतें तो ऐसी प्रोफाउंड है अभी भी क्वार्टरली नंबर्स के लिहाज से। लेकिन यस बैंक में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, वो जो फंड इन्फ्यूजन आना है, पैसा आना है ना। अब होप जिस तरह की तेजी बनी थी ना थर्सडे को फ्राइडे की बोर्ड मीट से पहले, उस होप में थी कि फ्राइडे को डिस्कशन होगा, कुछ ना कुछ सामने आएगा। डिसअपॉइंटमेंट इस समय डिसअपॉइंटमेंट ये होगा कि उससे कुछ निकल के आया नहीं। हालांकि मैनेजमेंट ने अभी भी रिइटरेट करा है कि $1.2 billion का एक ऑफर है हमारे पास, और भी सब्सिक्वेंट फॉरेन प्लेस से ऑफर्स हैं जिसको हम रिवर्क कर रहे हैं, और शायद दिसंबर से पहले हम अनाउंस करते हुए नजर आएंगे। अब ये है तो अच्छी खबर फंड इन्फ्यूजन की, तो रिजल्ट्स कमजोर लेकिन फंड इन्फ्यूजन ही स्टॉक को ड्राइव करना है इस समय। वो एक गाना याद आ रहा है आपसे बात करते करते, वो तेरा बज मुझे जीने ना जीना दे दे। अब ये बज के चलते इधर जाओ उधर जाओ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो यस बैंक में वीक हार्टेड जो है, रिस्क अवर्स जो है, उनके लिए कोई जगह नहीं है, कभी भी 5% ऊपर 5% जाना है जाना है। अब कल को MSCI या किसी का वेटेज रिड्यूस हो जाए यस बैंक में, क्योंकि जिस तरह की हालात हो रहे हैं कुछ भी रीजन बन सकता है, तो मैं किसी मीनिंगफुल डिप में चाहे यस बैंक को उस पोर्टफोलियो के पार्ट के तौर पर इन्वेस्टमेंट जरूर करूंगा कि
एक डर इन्वेस्टमेंट के तौर पे कि हीरो या जीरो गेम है मेरे लिए, इसको उसी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं। मैं फंडामेंटल्स लगाऊंगा तो कहीं से बाय नहीं निकलेगा, हर क्वार्टर में डिटोरेशन, मैसिव डिटोरेशन हो रहा है, क्यों खरीद लूं मैं? खरीद इसी होप में ना हो कि अच्छा खासा एस्टैब्लिश बैंक था, दिक्कतों में आ गया है, हिंदुस्तान में बैंकिंग स्पेस बहुत अट्रैक्टिव है और कोई ना कोई प्लेयर आके एक्वायर करेगा। पर क्या सर्टनिटी है इसकी बुक्स को लेकर कितनी दिक्कत? हाँ तो वो प्लेयर के बाद ही आएगा। तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ और मैं शायद वरुण भी ऐसी करेंगे, जब तक वो क्लैरिटी ना आए ना मैं यस बैंक में नहीं घुसूंगा। चलिए ठीक है, क्योंकि हाँ ये आपने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि ये बस 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 क्रिएट होते 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 वो स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। किंग फिशर था जिसमें दुनिया भर के लोग खरीदने आते थे, तो बहुत बस क्रिएट होते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। अब तो यस बैंक उसी स्टेज में खड़ा हुआ है, मेक या ब्रेक वाला। मेरे लिए बेहतर ये है कि एटलीस्ट क्लैरिटी आ जाए, हो सकता है जिस दिन क्लैरिटी आया उस दिन यस बैंक फिर 25% ऊपर होगा, लेकिन पर, सकते 25% जाने देंगे। इस छोटे से बेस पे 25% का मूव है, ठंडा पड़ेगा तो उसके बाद मैं एंट्री पाने के मौके ढूंढूंगा। मैं अभी इस समय घुसने का मन नहीं है मेरा। या फिर आप बहुत अग्रेसिव हो पोर्टफोलियो में, ये पंड बेट के तौर पर लेना चाहते हो, तो मुझे लगता है जिस तरह का भल्ला मचना शुरू हुआ है मैनेजमेंट, जिस तरह की अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री सही है तो दिसंबर तक होना है, तो किसी भी डिप में आज देखिए ना बाजार में होप, मैंने तेरा बज मुझे इसलिए कह रहा हूँ, आज वो स्टॉक 66 का 56 गया, 15% का डाउनसाइड खुला, पूरा रिकवर हो गया स्टॉक इसीलिए ना, क्योंकि सब वो बस में बिलीव कर रहे हैं कि आने वाला, तो लोग दबा रहे हैं स्टॉक को। आप भी दबाइए अगर आप पंड गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन किसी गिरावट में उठाएं तो आपका रिसोर्ट होता फेवरेबल होगा। एक क्वार्टर का इंतजार करें डेवलपमेंट के लिए और उसको मान के चलें कि आएगा या नहीं आएगा, तो बहुत अग्रेसिवली बेट ना करें। एक छोटा पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो चाहे तो उस बेट पे खेल सकते हैं, पर ये बहुत रिस्की और ये आपका अपना लॉजिकल कॉल होगा क्योंकि इसमें कोई लॉजिक है नहीं, तो लॉजिकल कॉल भी कहना गलत होगा मेरे लिए, ये सिर्फ वो होप्स पे जीने वाली बात है। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। स्पाइस जेट 145 पे लिया है संतोष मिश्रा जी, बहुत दिन से एविएशन आउट ऑफ फोकस हो गया आजकल, इनके स्पाइस 22 से नीचे भी चला थोड़ा सा, पर अभी थोड़े दिन रहेगा अभी। अब कच्चा तेल 61 पे वापस आ गया आज सुबह, नहीं मैं बताता हूँ क्यों। वो कल वो सऊदी अरब को जी जाग गए ना, अब इस सैटरडे को वो प्रोस्पेक्टस सामने आ जाएगा, DRHP सबमिट कर रहे हैं, दिसंबर तक वो IPO लाना है, इतना बड़ा माल चुकाना है तो बिना कच्चा तेल के बाउंस के थोड़ा दिखेगा नहीं, तो मुझे लगता है कोई आर्टिफिशियली वो उछाल दिखाया जाएगा, वो सेंटिमेंट निगेटिव हो सकता है आपकी एविएशन कंपनीज के लिए। पर स्पाइसजेट सबसे प्रिफर्ड बैठे मेरे लिए इस समय, अनलेस इंटर ग्लोब एविएशन प्राइट एंड वाइटनी के इंजन का इश्यू, PNW इंजन के इश्यूज को सॉर्ट आउट ना करे, हालांकि वो कह रहे नहीं होगा कुछ दिक्कत, लेकिन उनको अपने इश्यूज सॉर्ट आउट करने। स्पाइसजेट उस लिहाज से काफी हद तक फायदा बुना पाया है, जो जेट एयरवेज का क्लोजर था सबसे ज्यादा फायदा इसी को हुआ था, है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा स्पॉट्स मुंबई के और सारे लुक्रेटिव स्पॉट्स सबसे ज्यादा स्पाइसजेट को मिले थे, उनके लीज्ड एयरक्राफ्ट का ज्यादा फायदा ये उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे बेहतर प्ले अगर स्पेस में तो वो स्पाइसजेट ही है, बिल्कुल होल्ड का कॉल होगा स्पेस में। चलिए ठीक है, स्पाइसजेट होल्ड का कॉल। मेटल काउंटर पे एक ले लेते रहे, काफी लोग टाटा स्टील पे पूछते थे, अब ये संदीप पुंडी थंगे ये वेदांता पे भी व्यू पूछ रहे हैं, करना क्या चाहिए एक्चुअली मेटल एज स्पेस, क्योंकि अब साइकिल रिवाइवल होते दिख रहा है क्या? साइकिल रिवाइवल नहीं, सेंटीमेंट रिवाइवल, सेंटीमेंट रिवाइवल है ना, साइकिल अभी रिवाइवल, हाँ साइकिल इट टेक्स डोंट स्वीट टाइम, पर ये तो है कि सेंटीमेंट बहुत सॉलिड रिवाइव हो रहे हैं। हम लोग शुरुआत में अभी ट्रम्प साहब और ये सब बातचीत जो कर रहे थे ये उसी का इम्पैक्ट है, ओवर वीकेंड डेवलपमेंट जो हुआ आज फिर आपने देखा किस तरह का मूव आ रहा है, और इस तरह के अगर पॉजिटिव मूव्स आते रहे तो अगर टेक्निकल एनालिस्ट की माने तो बड़े एग्रेसिव शार्प मूव, क्योंकि बहुत बीटन डाउन पॉकेट है, बहुत जाने माने नाम है इस तरह की जो पटाई चल रहे हैं, तो बहुत मीनिंगफुल अपसाइड में से कई सारे स्टॉक्स देने का दमखम रखते हैं। वरुण आपको बता देंगे फंडामेंटली कौन से स्ट्रॉन्ग है अगर उसमें दाव लगाना है आपको, लेकिन मेटल्स इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं, आउटशाइन कर रहे हैं, उनको रडार पर रखना चाहिए क्योंकि जो बाहर से खबरें आ रही है वो इनके लिए कंड्यूसिव है, तो फंडामेंटली कुछ नहीं बदला है, सेंटिमेंट्स बहुत बदल रहे हैं, इसका फायदा उठाना चाहिए। डेफिनेटली तो सेंटिमेंट बदल रहे उसका फायदा उठाइए, अगर आपको ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स में खेलना है तो सेल और JSPL है, फंडामेंटली थोड़े टाइम के लिए रुक सकते हैं, JSW स्टील टाटा स्टील ये दो स्टॉक्स है जो सबसे ज्यादा बेटर है। वेदांता तो अब सिर्फ मेटल नहीं रह गया, वो तो ऑयल एंड गैस और सब हो गया, वो कमोडिटी प्ले हो गया, हाँ वो तो एक टोटल कमोडिटी प्ले हो गया, तो अगर आप पूरे कमोडिटी को प्ले करना चाहते हैं तो ही वेदांता अच्छा है, अगर आप स्टील सेक्टर को प्ले करना चाहते हैं तो JSW स्टील टाटा स्टील जैसी कंपनी जो है वो ज्यादा बेटर है। चलिए आशीष, अब काफी समय हो गया, बिल्कुल ठीक है, विदा लेने का समय है, कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए, सुबह आपको बताएंगे कि मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है। आवाज के साथ जुड़िए सुबह सुबह और हमारे साथ किसी प्लेटफॉर्म पे आपके सवालों के जवाब के साथ, तब तक के लिए बाय साहब।